नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। मैं सोनिया से इस वीडियो में मैं बात करूंगी एनटीयू जीसी नेट के करेक्शन विंडो को लेकर जो कि ओपन हो चुकी हैं 20 जनवरी 11:50। ये इसका लास्ट डेडलाइन है। अगर आपने फॉर्म भरते हुए कोई भी अगर गलती की है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर भाषा को लेकर दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिसको को लेकर विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती की भी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अगर फॉर्म भरते हुए अगर केवल इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है यानी मीडियम ऑफ सिलेक्शन अगर आपने सिर्फ इंग्लिश चूज किया है तो आपको स्क्रीन के ऊपर पेपर अटेम्प्ट करते हुए केवल इंग्लिश भाषा में पेपर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने फॉर्म भरते हुए मीडियम ऑफ सिलेक्शन अगर हिंदी किया है तो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दोनों भाषाओं में लाभ मिलेगा यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप अपनी भाषाओं को क्वेश्चंस को देख पाएंगे। और आप सबको पता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भाषा कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी करेक्शन विंडोज अभी भी जाकर चेक नहीं की है, कोई गलती फॉर्म में की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, डायरेक्टली जाकर अपनी गलतियों को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।